Hi everyone, in this video let's discuss code forces around 774 division 2 problem C, that is factorials and power of 2. So let's start by understanding the question. A number is called powerful if it is a power of 2 or a factorial. In other words, a number m is powerful if there exists a non-negative integer d such that m equals to 2 key power d or m equals to d factorial, where d factorial equals to 1 into 2 into 3 up to into d. Kya bola gaya hai? Ki hum kisi ek number ko powerful bolenge, ki ye number powerful hai, अगर दो में से एक कंडीशन ट्रू हो, या तो वो पावर ऑफ टू हो या तो फिर वो एक फैक्टोरियल हो, मतलब कि m इज इक्वल्स टू 2 की पावर d इस तरह का नंबर हो तो m को हम पावरफुल बोलेंगे, वेयर d इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब d इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू n इट्स इंटीजर, या तो फिर m जो है वो d फैक्टोरियल के बराबर हो, जहाँ पे d फैक्टोरियल है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू इंटू d, और यहाँ पे भी d नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर ब्रैकेट में स्पेसिफिक केस भी दिया गया है कि फैक्टोरियल ऑफ 0 भी हम 1 काउंट करेंगे, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल 146 पावरफुल है बिकॉज 1 इज अ पावर ऑफ 2, 4 इज अ पावर ऑफ 2 एंड d इज फैक्टोरियल 3, वेर एज 7, 10, 18 ये पावरफुल नहीं है क्योंकि ये इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट में सेटिस्फाई नहीं करते। You are given a positive integer n. Find the minimum number k such that n can be represented as the sum of k distinct powerful numbers or say that there is no such k. ठीक है, क्या बोला गया है कि अब हमें इनपुट में क्या दिया गया है कि एक नंबर n दिया गया है, तो हमें बताना है कि what is the minimum number value of k such that n can be represented as sum of k डिस्टिंक्ट पावरफुल नंबर्स। ठीक है, पावरफुल नंबर्स कौन से, इन ये दोनों फॉर्मेट जो भी सेटिस्फाई करते हैं वो सारे पावरफुल नंबर है, तो हमें अगर n दिया गया है तो हमें बताना है कि सम ऑफ k डिस्टिंक्ट पावरफुल नंबर्स अगर n के बराबर हो सकता है तो उनमें k की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देर में भी मल्टीपल सबसेट ऑफ k, देर में भी मल्टीपल सेट ऑफ k ऑफ डिस्टिंक्ट पावरफुल नंबर्स विच सम्स ऑफ टू n, तो हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ k बतानी है अगर पॉसिबल है तो। इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस में n दिया गया है और इनका कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आउटपुट में हमें क्या दिखाना है, हमें सेट ऑफ साइज k बताना है सच दैट k इज द मिनिमम साइज सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पावरफुल नंबर्स विद सम्स अप टू n, और अगर पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हमें इनपुट में n दिया गया है और हमें बताना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ k क्या है सच दैट k साइज का एक सेट हम ले सकते हैं ऑफ डिस्टिंक्ट पावरफुल नंबर्स विच सम्स अप टू n। ठीक है, डिस्टिंक्ट पावरफुल नंबर्स, और पावरफुल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि अगर या तो नंबर 2 की पावर d फॉर्मेट का हो या तो नंबर d फैक्टोरियल हो, तो इन दोनों टाइप्स के नंबर को हम पावरफुल बोलेंगे। अब जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले मैंने देखा कि n की रेंज क्या है, n की रेंज 10 की पावर 12 जितनी है। काफ़ी बार सबसेट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हम वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि n बेसिकली क्या है, जैसे सबसेट सम प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको पता हो तो हम एक 2D एरे लेते हैं जहाँ पे एक जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जो एलिमेंट्स है उनको रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो डायमेंशन है वो सम को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि यहाँ पे सम की वैल्यू 10 की पावर 12 तक जा रही है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं कर पाएंगे तो पहले ये तो देखें कि हमें जो सेट सिलेक्ट करना है उनमें कितने एलिमेंट्स है। तो अगर n की वैल्यू 10 की पावर 12 तक है, ठीक है, तो अगर आप जो है अलग अलग फैक्टोरियल वैल्यूज निकालेंगे जैसे 1, 2, फिर 6, फिर 24, फिर 120, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो जो अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपके पास जो फैक्टोरियल d होगा वो ग्रेटर देन 10 की पावर 12 होगा, तो इसको तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें बोला गया है कि n की वैल्यू 10 की पावर 12 से कम है।
तो अगर मैं एक फोर लूप की मदद से फैक्टोरियल बढ़ाते जाऊँ और फाइंड करूँ कि ऐसी कौन सी डी की वैल्यू है, तो आपको मिलेगा कि फैक्टोरियल 15 जो है वो 10 की पावर 12 से बड़ा है। तो बेसिकली आपके पास जो सेट है वो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 अप टू फैक्टोरियल 14, ठीक है, मतलब कि 14 एलिमेंट्स आ गए प्लस 1 फैक्टोरियल 0। हमें बोला गया है कि जो d है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और फैक्टोरियल 0 को 1 की तरह ट्रीट करना है, तो ये फैक्टोरियल 0 भी आएगा, तो ये सेट की साइज हो गई 15, ठीक है। अब उसी तरह से अगर 2 की पावर d टाइप के नंबर भी अगर हम कंसिडर करें कि 2 की पावर d जो है वो ग्रेटर देन 10 की पावर 12 कब होगा, तो आई गेस आई एम नॉट श्योर, आई थिंक d इक्वल टू 40 पे जो है वो ये 10 की पावर 12 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 अप टू 2 की पावर 39 जो है ये सब वैलिड है। अब अगर मैं इन एलिमेंट्स को इन एलिमेंट्स के साथ ऐड करूँ तो ये हमारा पूरा सेट हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, वो 10 की पावर 12 से बड़ा है, यहाँ पे भी इससे ज़्यादा कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 40 एलिमेंट्स है, यहाँ पे कितने हैं 15 एलिमेंट्स है, 40 प्लस 15 इज 55। अभी 55 एलिमेंट्स पे अगर मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाऊँ, मतलब कि उनके सारे सबसेट को टेस्ट करूँ कि अब मतलब कि ये 40 एलिमेंट्स ये कितना हो गया 15, तो 55 एलिमेंट्स का एक सेट हो गया। अब इसके अगर मैं सारे सबसेट्स जनरेट करूँ और सभी सबसेट का सम निकालूँ और अगर उसको n के साथ कंपेयर करूँ, अगर वो n के बराबर है तो उस सबसेट की साइज़ क्या है वो मैं देखूँ और उनमें से जो मिनिमम है वो रिटर्न करूँ, तो मुझे एक्सपोनेंशियल टाइम लगेगा सारे के सारे सबसेट कैलकुलेट करने में, 2 की पावर 55, इतने नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे, ठीक है, बिग ओ ऑफ 2 की पावर 55 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, तो ये टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब और क्या सोच सकते हैं, हमें दो टाइप के एलिमेंट दिए गए हैं, एक फैक्टोरियल एक 2 की पावर n, तो अब इनकी प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही कुछ सोचना पड़ेगा। पहली बात तो ये, हमें ये बोला गया है कि जब भी पॉसिबल ना हो तो -1 प्रिंट करना है, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्यों, जैसे हमारे पास कोई n की वैल्यू है, अगर मैं उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करूँ, मान लो कोई भी वैल्यू है, ठीक है, ये मेरी n की वैल्यू है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट किया, तो ये जो है वो 2 की पावर n टाइप का इंडिविजुअल है, मतलब कि अगर मैं इन सब को 0 ले लूँ और ये 1 लूँ तो ये 2 की पावर d टाइप का नंबर हो गया, सिमिलरली इसको 1 रखूँ बाकी सबको 0 रखूँ वो भी 2 की पावर d टाइप का हो गया, तो ये जो सेट बिट्स है, ठीक है, उन सब के अलग अलग वैल्यूज़ होंगे d, तो इन सबको मैं अगर ऐड कर दूँ जैसे कि ये हो गया, फिर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सारे के सारे 0, ये एक 1 बाकी सारे 0, फिर थर्ड क्या होगा, ये 1 ये सारे 0, ये सारे 0, फिर ये 1 इस साइड सब 0, इस साइड सब 0, ऐसा सब के सब मैं ले लूँगा, ये 2 की पावर d फॉर्मेट है, ये 2 की पावर d फॉर्मेट है, इन सबको ऐड करूँगा तो ये नंबर मिल जाएगा। तो कभी भी ये तो होगा ही नहीं कि हमारे पास ऐसी एक भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये क्लियर हो गया। दूसरा हमने क्या देखा कि अगर हम सिर्फ इनकी मदद से रिप्रेजेंट करें, जैसे कि मेरे पास 1 1 0 1 0 है, अगर मैं सिर्फ इनकी मदद से रिप्रेजेंट करूँ तो कितने साइज़ क्या होगी सेट की, देख के ही पता चल रहा है 3 साइज़ होगी, क्योंकि एक नंबर होगा 1 0 0 0, एक होगा 0 1 0 0 0, एक होगा 0 0 0 1 0, 3 साइज़ का सेट होगा जो कि इसको सम अप करेगा। बेसिकली हमें ये पता चल रहा है कि इनके जो भी हम नंबर यूज़ करेंगे, ठीक है, जितने भी नंबर्स यूज़ करेंगे वो कितने होंगे नंबर ऑफ सेट बिट्स के बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें जैसे ही ये पता चल गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो 15 एलिमेंट्स ही है, तो 2 की पावर 15 इसमें तो हम ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं, इसके सारे के सारे सबसेट हम जनरेट करेंगे, उन सभी सबसेट का सम निकालेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे कि मान लो मेरे पास n की वैल्यू है, अब ये जो सेट है इसके मैंने सारे सबसेट निकाले, इन सभी सबसेट का मैं सम निकालूंगा, ये सम को निकालने के बाद अगर ये सम जो है वो ग्रेटर देन n हुआ तो एग्जिट कर दो, अगर ये सम ग्रेटर देन n नहीं हुआ तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज हुए होंगे वो मेरे पास मान लो C1 में स्टोर्ड है, ठीक है, तो अब नंबर क्या बचा, n माइनस सम,
ठीक है, तो मैंने फैक्टोरियल वाले का तो सबसेट ले लिया, मतलब अब इनमें से कुछ नहीं लेना, अब किसको लेना है, सिर्फ 2 की पावर डी वाले नंबर को। लेकिन हमने क्या देखा, 2 की पावर डी वाले नंबर उतने ही यूज होंगे जितनी सेट बिट्स होगी, मतलब कि एन माइनस सम में जितनी सेट बिट्स होगी उतने टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हो जाएंगे, सी वन प्लस सेट नंबर ऑफ बिट्स ऑफ एन माइनस सम, इतने में हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे, तो अब ये जो फाइनल आंसर मिलेगा, ये मान लो C1 प्लस C2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, आंसर वेरिएबल के साथ कंपेयर कर लेंगे और मिनिमम जो होगा वो आंसर में स्टोर कर देंगे एट द एंड, सभी के बाद। इससे क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारा जो नंबर है उसको दो सबसेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें सारे नंबर्स 2 की पावर डी फॉर्मेट के हैं, इसमें फैक्टोरियल डी फॉर्मेट के हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें जैसे ही एक प्रॉपर्टी ये पता चली कि ये जो है वो उतने ही नंबर लेगा जितनी सेट बिट्स होगी एट द एंड, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 ही थे क्योंकि इसके बाद वाला है वो 10 की पावर 12 से बड़ा है तो वो यूज़ नहीं करना। तो हमने क्या किया, हमने ये जो सेट है फैक्टोरियल 15 का उस पर एक्सपोनेंशियली सारे सबसेट सर्च कर लिए, ठीक है, क्योंकि आंसर में उनका एक सबसेट यूज़ हो रहा होगा। तो ये 2 की पावर 15 हुआ, ये 32,000 अप्रॉक्स कुछ होगा, ठीक है, तो इतने स्टेप्स तो इजीली कर सकते हैं। तो इसका एक सबसेट ले लिया, फिर ये अगर सम ग्रेटर देन एन है तो एग्जिट कर दो, अगर लेस देन एन है तो बचा कितना, इतना। तो इतने के लिए 2 की पावर डी वाले कितने नंबर चाहिए होंगे, जितनी इसमें सेट बिट होगी, तो ये कितना टाइम लेगा नंबर ऑफ सेट बिट्स वाला, उतने ही। फॉर एग्जांपल अगर आपका 32 साइज का सेट 32 बिट्स का नंबर है और उसमें 8 सेट बिट्स है तो फास्ट एल्गोरिदम आपको 8 स्टेप्स में बता देगा कि 8 सेट बिट्स है, ठीक है, तो ये तो बहुत कम स्टेप्स लेगा, ठीक है, और ये कांस्टेंट टाइम में हम मान सकते हैं। तो ये भी बहुत कम स्टेप्स हुए, ये भी कांस्टेंट टाइम में है। फिर C1 प्लस C2 क्या होंगे, नंबर ऑफ नंबर्स, जहाँ पे C1 है वो इस टाइप के है और C2 है वो 2 की पावर डी टाइप के है, और इनको हम आंसर वेरिएबल के साथ कंपेयर कर देंगे तो ये हमारे टाइम लिमिट में भी आ जाएगा, ठीक है। हमने बेसिकली दोनों की प्रॉपर्टी यूज़ करके ये किया। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया, डाउट बचा है इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो जैसा कि हमने कंसेप्ट में देखा कि हम जो भी फैक्टोरियल वाले हैं उनका सारे के सारे सबसेट जनरेट करेंगे, और हमने ये भी देखा कि फैक्टोरियल 15 जो है वो ग्रेटर देन 10 की पावर 12 होगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वेक्टर लूँगा, वेक्टर जिसमें कि ये LL है वो लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप है A, इसमें मैं 0 से लेके 14 तक के फैक्टोरियल को स्टोर कर दूंगा। सो लेट से ए डॉट पुश बैक, सबसे पहले 1 मैंने पुश कर दिया जो कि फैक्टोरियल 0 है, ठीक है। अब मान लो j इक्वल टू 1 है, सो फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 14, i प्लस प्लस j क्या है वो फैक्टोरियल उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ, सो j इक्वल्स टू j इंटू i और a डॉट पुश बैक j। तो इससे क्या होगा कि 0 से लेके 14 तक के सारे फैक्टोरियल a वेक्टर में स्टोर हो गए। अब सभी टेस्ट केस के लिए मेरे पास n की वैल्यू होगी। अब इसकी साइज कितनी है, 15, a वेक्टर जो है उसमें 15 एलिमेंट्स है फैक्टोरियल 0 से लेके फैक्टोरियल 14, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 15, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर जैसे कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो है, जैसे k की वैल्यू अगर मैं 15 लेता हूँ तो नंबर ऑफ सबसेट्स टोटल अगर मैं वेरिएबल लूँ तो वो कितने होंगे, 2 की पावर 15। तो मैं कह सकता हूँ फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन टोटल i प्लस प्लस, ठीक है, इनिशियली मैं आंसर वेरिएबल की वैल्यू -1 कर दूंगा, ठीक है। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अगर मेरे k की वैल्यू 3 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 8, 2 की पावर 3। तो मैं 0 से लेके 7 तक मूव हो रहा हूँ, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब मैं क्या करूँगा, इस सबसेट का मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट को नहीं लेना है, इस सबसेट का मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट को लेना है, इसका मतलब क्या है कि इसको लेना है, इसका मतलब क्या है कि इसको और इसको लेना है,
इसका मतलब क्या है कि इस एलिमेंट को लेना है, इसका मतलब क्या है फर्स्ट एंड लास्ट को लेना है, इसका मतलब इसको और इसको लेना है, इसका मतलब तीनों के तीनों को लेना है, ठीक है। तो इसी तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टोटल के एलिमेंट्स है तो सम इक्वल्स टू काउंट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये सारे के सारे सबसेट्स ट्राई करने हैं जीरो से लेके टोटल तक। फॉर j इक्वल्स टू जीरो, j इज लेस देन k, j प्लस प्लस। और अब अगर 2 की पावर j और i, ये मतलब कि 2 की पावर j वाला जो बिट है वो अगर i में सेट है तो हम उसको कंसिडर करेंगे, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये जो है 011, तो ये जीरोथ बिट है, ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 फर्स्ट बिट है, मतलब 2 की पावर 1 2। तो हम क्या करेंगे कि ये जे 1 है, मतलब कि 2 की पावर 1 ये इसमें सेट है कि नहीं ये देखेंगे। हाँ, 2 की पावर 1 इसमें सेट है, ये नंबर क्या है 3, इसमें 2 जो है 2 वाला बिट, मतलब 2 की पावर 1 जिसकी वैल्यू है वो सेट है, इसका मतलब इसको कंसिडर करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर j को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पावर ऑफ j वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 होगी, ठीक है। सो इफ i एंड पावर ऑफ j, अगर एंड ऑपरेशन होगा इसका मतलब क्या है कि ये बिट सेट है, एंड ऑपरेशन में अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, फॉर एग्जांपल अब ये जो है वो कौन सी सेकंड बिट है, मतलब 2 की पावर 2 दैट इज 4, तो इस वैल्यू एंड 4 ये क्या होगा 0100। तो यही हम चेक कर रहे हैं, अगर ये एंड है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कंसिडर करना है एलिमेंट। तो इस ये क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ जे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर ऑफ जे इज इक्वल्स टू पावर ऑफ जे इंटू 2, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट के लिए वो हो जाएगा। अब जब हम बाहर निकलेंगे तो पहले तो इफ सम इज ग्रेटर देन एन तो कंटिन्यू कर दो आगे नेक्स्ट इटरेशन में, यहाँ पे अगर ग्रेटर देन एन है तो। और एक चीज़, जब भी हम एलिमेंट लेते हैं तो हम हमारे काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब अगर नहीं है तो हम यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे हमने फैक्टोरियल वाले नंबर कंसिडर कर लिए, अब 2 की पावर डी वाले नंबर कंसिडर करने हैं, वो क्या होगा, जो भी सम बचा है उसमें जितने सेट बिट्स होंगे वो, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमेनिंग इज इक्वल्स टू एन माइनस सम, क्योंकि सम जितनी वैल्यू तो आ गई है, अब रिमेनिंग में कितने सेट बिट है वो देखना है। तो इसके लिए क्या हम लगाते हैं, सबसे बेस्ट मेथड, व्हाइल रिमेनिंग इज ग्रेटर देन जीरो काउंट प्लस प्लस रिमेनिंग इक्वल्स टू रिमेनिंग एंड रिमेनिंग माइनस वन। ये जो कोड है व्हाइल लूप, ये नंबर ऑफ सेट बिट्स देता है, ठीक है, फास्टेस्ट वे में। अगर 8 सेट बिट्स है तो ये व्हाइल लूप 8 स्टेप्स में ख़त्म हो जाएगा। तो उतने टाइम्स हमने काउंटर बढ़ा दिया, अब काउंटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से हमें पता चला कि कितने नंबर हमने इस सबसेट में से लिए हैं, और यहाँ से हमें पता चला कि कितने और रिक्वायर्ड होंगे 2 की पावर डी वाले, मतलब कि ये फैक्टोरियल टाइप के, ये 2 की पावर डी टाइप के, तो टोटल इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे टू रिप्रेजेंट एन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इफ आंसर इक्वल्स टू माइनस वन तो आंसर इज इक्वल्स टू काउंट, एल्स आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा काउंट, जिससे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ काउंट जो है वो आंसर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, फैक्टोरियल के सारे सबसेट जनरेट किए और फिर इसकी प्रॉपर्टी यूज़ की 2 की पावर n वाले की, कि अगर कोई नंबर है तो उसमें कितने 2 की पावर n टाइप के नंबर यूज़ होंगे, जितने उसमें सेट बिट्स होंगे। तो इन दोनों को यूज़ करके हमने काफ़ी एफिशिएंट वे में सॉल्व कर लिया, इससे हमें आंसर मिल जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे 2 की पावर 15 साइज का फोर लूप लग रहा है, और उसके अंदर फिर अगर यहाँ पे बात करें तो के 15 साइज का फोर लूप लग रहा है। सो 15 इंटू 2 की पावर 15 इंटू ये जो है वो नंबर ऑफ सेट बिट्स के बराबर देगा, मतलब कि अगर 10 की पावर 12 है तो लॉग ऑफ 10 की पावर 12 आई गेस यही होना चाहिए नंबर ऑफ सेट बिट्स,
ठीक है, मैक्सिमम इतनी होगी, सो बिग ओ ऑफ दिस, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।